नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको तो अगर आज के अपने स्टॉक की बात करें जो है HFCL लिमिटेड, अगर इस कंपनी की बात करें तो आज यह कंपनी ने अपना हाई बनाया, यानी कि 52 वीक हाई बनाया 51.40 रुपये पे, और उसके बाद ही इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिला। तो ऐसे में इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए, क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? क्योंकि अगर गिरावट आई तो इसमें कहीं ना कहीं बायर्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो तो अभी हमें मिलने वाला है। तो क्या ये शेयर और ज़्यादा नीचे गिरेगा? क्योंकि अगर ये शेयर और ज़्यादा नीचे गिरता है तो ऐसे में हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलने वाले, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो आप स्किप करके भी देखते हैं तो चार्ट का पार्ट जरूर देखें, क्योंकि चार्ट में ही आपको पता चल पाएगा कि इस शेयर को कहां पे बाई किया जा सकता है और अभी जिन लोगों ने बाई कर रखा है उन्हें प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर आज के क्लोजिंग की बात करते हैं तो आप देखेंगे ये शेयर क्लोज हुआ है 47.70 रुपये पे। अगर वहीं इसके 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो आप देखेंगे 8.70 रुपये, जो कि 27 मई 2020 को कंपनी ने बनाया था। 52 वीक का अगर हाई की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 51.40 रुपये, जो कि 26 मई 2021 को कंपनी ने बनाया था। अगर आज के डिलीवरी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 32% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है, जबकि क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 1,60,31,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं और कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। अगर इनके पिछले 4 सालों का हम रेवेन्यू और इनका प्रॉफिट देख लेते हैं तो आप देखेंगे 2018 से 2019 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ किया, जबकि 2020 में वो ग्रोथ थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, और 2021 में कंपनी ने अगेन बाउंस बैक करने की कोशिश की है। जबकि अगर बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट की तो आप देखेंगे प्रॉफिट 2018 में कंपनी को 0.17,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वही बढ़कर 2019 में हो गया 0.22,000 करोड़ का, जबकि अगर 2020 की बात करते हैं तो 0.23,000 करोड़ का, यानी कि वो ग्रोथ फिर से अगेन आपको देखने को मिला, और 2021 में 0.24,000 करोड़ का प्रॉफिट तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेवेन्यू में थोड़ा बहुत उठाव आपको ऊपर नीचे आता हुआ दिख जाएगा। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बन जाता है। दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल पर ध्यान देते हैं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल देखने के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए अदरवाइज नहीं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो आप देखेंगे 6,287 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी डिविडेंड नहीं दी है पिछले काफ़ी टाइम से। अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू है 14.9 का। स्टॉक के पी की बात करते हैं तो 26 पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी है 27.9 का, यानी कि ये शेयर अभी भी अपने इंडस्ट्री पी के नीचे चल रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर डेप्ट की बात करते हैं तो 861 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। कैश की बात करते हैं तो माइनस में आपको 47.1 करोड़ का आपको कैश देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी के हम ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से, यानी कि अगर पिछले एक रेंज की बात करते हैं तो आप देखेंगे यह कंपनी एक रेंज में ही चल रहा था। ये जो लेवल था ये कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि ये 10 रुपये से 30 रुपये तक का लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट होना इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कंपनी ने एक दो बार कोशिश भी किया था 2009 के आसपास में, जो वो ब्रेकआउट था वो सक्सेस नहीं हुआ था और कंपनी में फिर से भारी गिरावट देखने को मिला था, लेकिन अब वो ब्रेकआउट फिर से आता हुआ आपको दिखा है और फिर से गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या पिछली बार की तरह ये इस बार भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा कि नहीं, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे इसमें 10 साल में आपको 11% तक का डिटेल देखने को मिलेगा, 5 साल में 24%, 3 साल में 24% और 1 साल में आपको 456% तक का डिटेल देखने को मिल जाएगा। जबकि कंपनी का अगर सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देखेंगे 10 साल में 48%, 5 साल में 9%, 3 साल में 11% और TTM आपको 15% तक का डिटेल देखने को मिलेगा। अगर वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 20%, 5 साल में 15%, 3 साल में 15% और लास्ट ईयर आपको 14% तक का डिटेल देखने को मिला था। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे दिसंबर 2020 में कंपनी के पास 42.05% की होल्डिंग हुआ करती थी प्रमोटर्स के पास, और वो कंटिन्यू यानी कि मार्च 2021 में भी सेम है। अगर वहीं FIIs की बात करते हैं तो आप देखेंगे इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 2.18% की होल्डिंग कर रखी है, जबकि इससे पहले 1.66% की होल्डिंग हुआ करती थी। DIIs की बात करते हैं तो इन्होंने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, 0.08 हो चुका है जो कि 0.07 हुआ करता था। पब्लिक की बात करते हैं तो आप देखेंगे इन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है, जो कि 55.59 का हो चुका है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर प्रमोटर्स होल्डिंग में हाईएस्ट होल्डिंग की हम बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग की, तो आप देखेंगे इसमें रिलायंस का नाम आता है, यानी कि रिलायंस भी इसमें अब 3.5%
परसेंट से ज़्यादा की होल्डिंग ओन करती है। तो देखते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 महीने में इस कंपनी ने आपको 63% का रिटर्न दिया, जबकि 1 महीने में 77% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। 6 महीने की बात करते हैं तो 163% का रिटर्न, जबकि 1 साल में 440% का रिटर्न देखने को मिला है। 2 साल में 127% और 3 साल में 85%, जबकि 4 साल में आप देखेंगे 250% से ज़्यादा का रिटर्न, 5 साल में 194% का रिटर्न और 10 साल में 198% तक का रिटर्न इस शेयर ने दे चुका है। तो देख लेते हैं कंपनी का चार्ट क्या कहता है। दोस्तों अगर कंपनी के चार्ट की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो ये लेवल था, यानी कि जिस हिसाब से कंपनी में ग्रोथ देखने को मिला, उसके बाद अब ये कंपनी थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाया। अगर यहाँ से ये लेवल्स तोड़ते हैं जिन लेवल्स की मैं बात करने जा रहा है, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि इस शेयर को आपने बाई कर रखा है या फिर ऊपर बाई किया है या फिर नीचे बाई किया है, कहीं पर भी अगर आपने बाई कर रखा है तो ऐसे में आपको स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 45 रुपये पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क और लेना चाहते हैं तो आप 42 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हो सकता है कि 43-44 रुपये के पास आकर यह कंपनी फिर से बाउंस बैक कर जाए, लेकिन दोस्तों ये जो लेवल्स है यानी कि जो स्टॉप लॉस है, इसे जरूर से जरूर आपको लगाना ही चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर यह कंपनी नीचे जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। ऐसे में स्टॉप लॉस अगर आपका रहेगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा और आपका लॉस एक सीमित रह जाएगा, और कंपनी फिर से अगर बाउंस बैक करती है तो आप फिर से इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर इसके टारगेट की बात करें, अगर ये शेयर मान लीजिए 40-41-42 रुपये के पास आकर बाउंस बैक करता है तो 51 रुपये का पहला टारगेट तोड़ेगा, और जैसे ये टारगेट टूटता है तो फिर आपको यहाँ पे 62 रुपये तक का अगला टारगेट बनता हुआ शॉर्ट टर्म में दिख जाएगा। दोस्तों जो ये स्टॉप लॉस बताए जा रहे हैं, इसे आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से 2009 में आपने देखा ये शेयर बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर गया, और उसके बाद इस शेयर में लगातार काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिला था, सेम पैटर्न इस टाइम भी बनता हुआ दिखा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आपको इस कंपनी में काफ़ी अच्छी भारी तेज़ी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर इसमें काफ़ी भारी गिरावट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको गिरावट में बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।